हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें बच्चों को, बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं क्रोमाइट ओर या क्रोम आयरन ओर या आयरन क्रोमाइट ओर, कुछ भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है FeO.Cr2O3। क्लियर? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमारा ओर है क्रोम आयरन ओर, यानी कि FeO और Cr2O3 का मिक्सचर। अब इसे हम तीन स्टेप में बनाएंगे। स्टेप वन है सोडियम क्रोमाइट की प्रिपरेशन, स्टेप टू है सोडियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, और स्टेप थ्री है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। अब सबसे पहले सोडियम क्रोमाइट कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने से पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, FeO.Cr2O3 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। आप रिएक्शन देख रहे हैं, FeO.Cr2O3 हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आप हीट करेंगे तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स Fe2O3 और क्रोमियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब इस ओर को हम क्या करेंगे, क्रश कर देंगे और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ Cr2O3 हमारे पास अलग हो गया, आयरन ऑक्साइड अलग है, तो Cr2O3 को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन मिला के हीट करेंगे, है ना। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। अब लाइम क्या करेगा, तो लाइम इस पूरे मिक्सचर को पोरस बना लेगा, है ना। अब पोर्स बनाने से क्या होगा, पोरस बनाने से क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रखा है आपने, जितनी बड़ी सरफेस होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। सो व्हेन Cr2O3 हीटेड विद सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन, तो सोडियम कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 निकल जाएगा, है ना, और सोडियम क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएंगे सोडियम क्रोमेट। तो फॉर्मूला है Ne2CrO4, सोडियम क्रोमेट या सोडियम क्रोमाइट कह सकते हैं आप इसे। क्लियर? सोडियम क्रोमेट का जो कलर है वो है येलो कलर। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये मैं आपको बता चुकी हूं, लाइन जो है, लाइन मेक्स इट पोरस, सो सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड रिएक्शन बिकम्स फास्ट। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप टू। फर्स्ट स्टेप था सोडियम क्रोमाइट की प्रिपरेशन, स्टेप टू इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट हमारे पास बन गया था Na2CrO4 येलो कलर, हम इसे H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O और रिमेनिंग क्या है, Na2Cr2 एंड O7। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। ऑरेंज कलर के क्रिस्टल है, ये येलो कलर के क्रिस्टल है। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है कि क्रोमेट Cr4-2 क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम, H2SO4 क्या देगा, एसिडिक मीडियम, तो क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें आगे बहुत काम आएगा, क्रोमेट आयन कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम। तो स्टेप टू कंप्लीट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। अब थर्ड स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो स्टूडेंट, सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में, है ना, एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करेंगे, है ना, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। तो सोडियम डाइक्रोमेट में अगर आप KCl मिलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ट्वाइस NaCl बाहर चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या है, K2Cr2O7। अब ये लेस सॉल्यूबल है और ये मोर सॉल्यूबल था, तो जैसे ये डिस्प्लेस होगा ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका रेडिश ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको क्लियर हो गए तीन स्टेप। फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, और थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब स्टूडेंट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा ये तो हमने पढ़ लिया। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को भी तो हम एज वेल एज यूज कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज है
दैट इज इन टाइट्रेशंस, दैट इज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. तो K2Cr2O7 ही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम आएगा, सोडियम डाइक्रोमेट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला. तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है जब हम इसे एयर में फ्री करते हैं. तो जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा इसका वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा तो मोल चेंज हो जाएंगे, मोल चेंज हो जाएगा तो टाइट्रेशन का आंसर आपको करेक्ट नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर यूजफुल इन टाइट्रेशन एज कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट. नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ आयंस के कलर्स याद रखने बहुत जरूरी है ना. ये कलर्स आपको याद होंगे तो आप थोड़े एक्स वाई वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ट्रिक्स लगा सकते हैं. सो डाइक्रोमेट Cr2O7-2, डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज. नेक्स्ट क्रोमेट Cr4-2, ये होता है येलो. क्रोमियम +3 ग्रीन. क्रोमियम ऑक्साइड Cr3 रेड क्रिस्टल. क्लियर स्टूडेंट्स. Cr5 क्रोमियम पर ऑक्साइड डीप ब्लू. Cr2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड रेडिश ब्राउन गैस. अब रेडिश ब्राउन NO2 भी होता है और ब्रोमीन, ब्रोमीन हालांकि ब्राउन होता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है. मान लो आपसे पूछे कि नाइट्रेट वाला कोई सॉल्ट है उसको हीट किया रेड ब्राउन गैस निकली, तो नाइट्रेट से तो NO2 ही मिलेगा. फिर कोई हैलोजन वाला कंपाउंड है उससे ब्राउन गैस मिली, तो हैलोजन वाला कंपाउंड मींस ब्राउन गैस. और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, उससे रेड क्रोमाइल क्लोराइड बनता है Cr2Cl2, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ये भी रेडिश ब्राउन कलर की गैस है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन, यानी Cr2O7-2 और Cr4-2 एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट मोस्ट स्टेबल है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है. तो जब आपके पास क्रोमेट आयन है दैट इज Cr4-2 और इसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा तो क्रोमेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट. आप देख सकते हैं जैसे जैसे एसिडिक मीडियम में जाएगा क्रोमेट कन्वर्ट हो गया डाइक्रोमेट. सिमिलरली अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है और मीडियम बेसिक हो गया तो बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्रोमेट आयन. तो हम कहेंगे डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एट pH=4 ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी pH=4 पे डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम पे है. मतलब अगर इसे बेसिक मीडियम मिल गया तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इसे एसिडिक मीडियम मिल गया तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. स्टूडेंट्स डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल है, तो अगर क्रोमेट है एसिडिक मीडियम मिल गया तो ये डाइक्रोमेट में चला जाएगा. और डाइक्रोमेट जो है वो सॉरी क्रोमेट जो है वो बेसिक में ज्यादा स्टेबल है, तो डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में आया है ना, OH आयन्स मिला OH- आयन्स, तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब क्रोमेट का कलर पता है येलो और डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज. नाउ स्टूडेंट्स ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम पे हम कुछ चेंजेस करें तो इक्विलिब्रियम वहां मूव करता है जहां वो चेंज को दूर कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं OH आयन कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो देखो OH आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये कहां जाएगा डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम में कहां जा रहा है क्रोमेट. तो इस इक्वेशन में अगर OH आयन ऐड किया जाए है ना, तो यहां OH बढ़ाऊंगी तो इक्विलिब्रियम कहां चलेगा फॉरवर्ड चलेगा, तो कलर येलो हो जाएगा. सिमिलरली अगर H+ आयन ऐड करे तो H+ आयन ऐड करोगे तो मीडियम कौन सा हो गया एसिडिक, तो ये इक्वेशन आपकी बैक साइड में चलेगी क्योंकि ये तो एसिडिक में स्टेबल नहीं है, तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कलर कैसा हो जाएगा ऑरेंज. अब स्टूडेंट्स डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. तो जब हम इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस देखते हैं या जब हम टाइट्रेशन देखते हैं तो एसिडिक मीडियम में हम डाइक्रोमेट आयन ही लेते हैं, K2Cr2O7 ही लिखते हैं, पोटेशियम क्रोमेट नहीं लिखते हैं. क्लियर, क्योंकि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट मोस्ट स्टेबल है. नाउ
केमिकल रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कोल्ड H2SO4। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 आप मिलाते और टेम्परेचर आप रखते 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बिल्कुल कोल्ड मीडियम है, कोल्ड जो है वो कंडीशन आपने रखी है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। K2Cr2O7 प्लस H2SO4, एक तो आपको मिलेगा K2SO4 प्लस CrO3 एंड वाटर। क्लियर, इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट ध्यान करना है, इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी है। सो क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 में क्रोमियम जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 6 है। ये क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 से अलग है ना, वहां पे सीआर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हॉट H2SO4। तो जब हम K2Cr2O7 की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे और इसे हीट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस। क्रोमियम सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, तो हम देख रहे हैं K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका ऑक्सीडेशन होने से रहा, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वैसे तो। अब H2SO4 में भी क्या प्रॉब्लम है कि सल्फर भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही क्या है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो O+O है ना, नेसेंट ऑक्सीजन बाय दिस एंड दिस, तो O और O मिलकर क्या बना देंगे O2। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीटेड विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स K2SO4 एंड क्रोमियम सल्फेट एंड वाटर एंड O2। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ तो आप बताएंगे, दोनों के नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना देते हैं O2 मॉलिक्यूल। नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ K2Cr2O7। तो स्टूडेंट्स एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 या डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम +3। अब ये जो इसकी बैलेंस इक्वेशन है ये आपने रेडॉक्स में पढ़ रखी है, Cr2O7-2 ये कन्वर्ट हुआ क्रोमियम +3 या Cr ट्वाइस है तो ये ट्वाइस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 7 था, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 7 वाटर ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 7 × 2 = 14, मीडियम एसिडिक है तो हमने 14 HIN ऐड कर दिए। नाउ चार्ज बैलेंस करेंगे आप तो +14 − 2 मीन्स +12 और 3 × 2 = 6, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 12, 6 कम कैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो है ना, माइनस का 6 हो जाएगा, तो +12 − 6 मतलब +6 और यहाँ पे भी चार्ज है 3 × 2 = 6, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप क्या देख रहे हैं, डाइक्रोमेट आयन एक डाइक्रोमेट आयन एक मोल मान लो 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब इसका रिडक्शन, यानी सामने वाले ने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। सो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन 6 है, दैट्स व्हाई एन फैक्टर यहाँ पे 6 है, क्योंकि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन 6 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे 6 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने देखा डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, मतलब कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, सामने वाला क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो डाइक्रोमेट आयन किस किस से रिएक्शन करता है, किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपको लर्न करनी है। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में हीट करने पे Sulfur − 2 H2S है ना, तो 2 H+ तो सल्फर क्या हो गया -2, तो Sulfur − 2 को न्यूट्रल S सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। आप देख रहे हैं एन फैक्टर 2 पे आएगा, एन फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है या ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो 2 पे आएगा है ना, तो मोस्टली इसकी जितनी भी रिएक्शंस है उनमें एन फैक्टर 2 ही रहता है, कुछ एक को छोड़ के।
तो आपको ध्यान रखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट H2S को एसिडिक मीडियम में सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलरली ये SO2 को SO4-2 में ऑक्सीडाइज करेगा। मैंने आपको बताया था SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो N फैक्टर जो है वो 2 आएगा। सिमिलरली थायोसल्फेट H2O3-2 इसको भी सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फाइट को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा, SN+2, SN+4, 2 का चेंज है आप देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। आरसीनाइट AsO3-2 को आरसीनेट को AsO4-3, आरसीनाइट को आरसीनेट में कन्वर्ट करेगा। मीडियम आपका एसिडिक है और रिएजेंट है K2Cr2O7। नाइट्राइट को नाइट्रेट में और फेरस को फेरिक में, आयोडाइड को I2 में, है ना। तो देखो ट्वाइस I- को I2 में, यहाँ पे भी N फैक्टर आपका 2 आएगा, है ना। एक मोल I2 पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो फेरस को फेरिक में और ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं आपको? तो आपको ये इक्वेशंस लर्न करनी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शंस में N फैक्टर 2 रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो फॉर एग्जांपल यू हैव इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। अब आप देखो ये 3 हाइड्रोजन प्लस है और ये तो CC बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ नहीं, तो ये CH3 प्लस का 3, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3। फिर ये कार्बन देखो इधर भी CC बॉन्ड है, तो यहाँ इसकी वजह से तो प्लस माइनस आएगा नहीं इस बॉन्ड की वजह से। अब ये हाइड्रोजन +1 +1, ये हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो देखो 1 2 3 प्लस का, माइनस का 2 है, -1 हो जाएगा, तो ये -3 और ये +3 न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, या सिंपली हम कहें तो इथेनॉल को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में। तो डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में अल्कोहल को पहले तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहा। अब आप यहाँ पे देखो ये वापस हो गया 3 हाइड्रोजन +1, ये कार्बन आपका -3, और ये कार्बन ये +1 है, ये -2 है, तो आउटर स्टेट में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो गया आपका +1। तो कार्बन -1 को कार्बन +1 में क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगेन आप देख रहे हैं 2 का चेंज आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। तो आप देखो डाइक्रोमेट आयन एल्डिहाइड, ये वाला जो कार्बन है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसको ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटल्डिहाइड से बनाता है एसिटिक एसिड। तो अब देखो ये आउटर स्टेट में हो गया +1, ये कार्बन हो गया -3, मतलब प्लस का 3 और ये माइनस का 3 न्यूट्रल। सिमिलरली ये -2 -2, माइनस का 4, ये प्लस का 1, तो आउटर में है -3, सो कार्बन इज +3। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां आपके कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, और यहां आपके ये वाला कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, कितने का चेंज आया +2। तो N फैक्टर या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का आ रहा है +2 का। तो हम देख रहे हैं डाइक्रोमेट ने पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज किया, देन एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज किया। नाउ स्टूडेंट, टेस्ट केमिकल टेस्ट फॉर क्रोमियम +6, या सबसे पहला टेस्ट जो है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये प्रैक्टिकली मैंने YouTube चैनल पे डाला हुआ भी है इसका कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, देखो कि मान लो आपके पास क्लोराइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट है, मतलब ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसमें क्लोराइड आयन हो, लाइक आप ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, एनीथिंग। तो क्लोराइड आयन वाला कोई भी सॉल्ट हो उसमें आपको मिलाना है सॉलिड K2Cr2O7 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन हीट। तो आपने क्लोराइड आयन वाले सॉल्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ही मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आप देखेंगे जैसे ही गर्म होगा एकदम से रेडिश ब्राउन गैस वो इवॉल्व होने लग जाती है, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है।
अब ये क्रोमाइल क्लोराइड का कलर है रेडिश ब्राउन और ये टेस्ट है किसका, क्लोराइड आयन का भी कह सकते हैं आप, क्योंकि क्लोराइड आयन होगा तभी पॉसिबल है, और क्रोमियम प्लस सिक्स का भी कह सकते हैं क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें CrO2Cl2 में क्रोमियम भी होना चाहिए और क्लोराइड भी होना चाहिए, क्लियर। तो व्हेन K2Cr2O7 प्लस H2SO4, अब यहां मैं क्लोराइड का कोई भी सॉल्ट ले सकती हूँ कुछ एक को छोड़ के, तो यहां हमने लिया है KCl, इसको हीट करा, तो हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि डाइक्रोमेट आयन क्लोराइड के साथ में क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है, दैट मींस CrO2Cl2 और इसका कलर है रेडिश ब्राउन कलर, प्लस KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स मोस्टली जितने भी क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन वाले सॉल्ट है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करते ही है, लेकिन कुछ एक को छोड़ दो, तो आपको याद रखना ये कुछ एक कौन से हैं, तो ये है सिल्वर, पीबी, एसएन और एचजी। अब याद रख सकते हैं आज प्रभु शांत होंगे, आज यानी एजी, प्रभु, पीबी, शांत, एसएन और होंगे यानी मर्करी। नाउ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, CR डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, Cl और Cl, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है, सिक्स बॉन्ड्स बना रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स और कलर है रेडिश ब्राउन। नाउ स्टूडेंट अनोदर टेस्ट फॉर क्रोमियम प्लस सिक्स, ये है रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 मिलाना है प्लस H2O2 और टेम्परेचर आपको रखना है बिल्कुल 0 से 5, है ना, बिल्कुल ठंडा रखना है आपको। तो आप क्या देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट H2O2 की प्रेजेंस में ये बना रहा है CrO5 क्रोमिक पर ऑक्साइड, CrO5 क्रोमिक पर ऑक्साइड, क्लियर। अब इसका जो कलर है दैट इज डीप ब्लू कलर, आपको लग रहा है ईथर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो क्रोमिक परऑक्साइड में ईथर क्या करेगा, क्रोमिक परऑक्साइड को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, आपको पता है ईथर का फॉर्मूला क्या है, ROR, तो ईथर जो है एज अ लिगेंड बिहेव कर सकता है, लोन पेयर डोनेटिंग एजेंट बिहेव कर सकता है, लुइस बेस की तरह बिहेव कर सकता है ना, तो ये इसको जिस इसे लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये चारों तरफ से क्या हो जाएगा, सराउंड हो जाएगा, है ना, और इसका जो डीप ब्लू कलर है वो इंटेंस डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब CrO5 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्लियर। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे, तो देखो क्रोमियम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है ना, यहाँ पे देखो ये एक परऑक्साइड बॉन्ड है, ये भी एक परऑक्साइड बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है ना इसके इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन की तरफ तो मान सकती हूँ तो ये -1, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये तो O है और ये भी O है तो इनमें तो प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है, नॉन पोलर है, तो -1, -1, -1, -1 और ये -2, तो आउटर में ऑक्सीडेशन स्टेट है -6, दैट्स व्हाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां हमने टेम्परेचर रखा था 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। और ईथर, तो मैंने आपको कहा था ईथर क्या करेगा, ईथर अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर सकता है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, कलर जो है उसका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब अगर आपने इसको हीट कर दिया, क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हमने CrO5 को हीट कर दिया तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, तो CrO5 ऑन हीटिंग डीकम्पोजेज इंटू CrO3 एंड O2। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, तो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7-2। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो देखो 2 क्रोमियम हो गया 2x, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होता है -2 × 7 = ओवरऑल चार्ज है -2, तो 2x = 12 एंड x = 6। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यानी यहां पे जो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन आएगा वो आएगा D0, है ना, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होने की वजह से आउटर सारे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, तो जो D में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो D का कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, D0। अब अगर D0 है तो आप समझ गए इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा,
है ना, पी टू जी से ईजी में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी डाइक्रोमेट जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स रखता है। कलर इसका कैसा है? रेडिश ऑरेंज। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कलर है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब जो क्रोमेट है ओ माइनस टू है इसमें, वो क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को शिफ्ट करा देता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, तो एनर्जी चेंजेस होने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज हुई अब्सॉर्ब हुई कलर के फॉर्म में। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है डाइक्रोमेट आयन में डीडी ट्रांजिशन तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से ये कलर शो करता है। अब डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है Cr2O7-2, तो वो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो 6 बॉन्ड से देखो 2, 4, 5 एंड 6। आप देख सकते हैं यहां रेजोनेंस कहां कहां पॉसिबल है। तो देखो Cr डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये नेगेटिव, क्रोमियम क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये अंदर आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली ये Cr डबल बॉन्ड O, तो ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, O नेगेटिव क्रोमियम पॉजिटिव, तो ये माइनस के साथ यहां, यानी ये तीनों बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये तीनों बॉन्ड लेंथ सेम हो गई है ना। अब यहां रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी कर रहा है, यहां कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। अब यहां पे भी रेजोनेंस है, देखो अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूट गया ओ नेगेटिव क्रोमियम पॉजिटिव, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड है ना, और यहां पे भी एज वेल एज। तो अगर आपसे पूछा जाए डाइक्रोमेट आयन में कितने CrO बॉन्ड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आप कहेंगे इसको छोड़ दो और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ये 6 की 6 बॉन्ड लेंथ जो है वो भी सेम होंगी। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है CrO वो है 163 पिकोमीटर, क्योंकि एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड की लेंथ है यहाँ पे 179 पिकोमीटर, तो उससे थोड़ा छोटा रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इन अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देख सकते हैं क्रोमियम यहाँ पे टेट्राहेड्रल है ना, दो टेट्राहेड्रल जो है वो आपस में कनेक्टेड है और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 126 डिग्री होता है। तो यहाँ क्रोमियम टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, चार बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो डाइक्रोमेट आयन 6 CrO बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम रहेंगी ड्यू टू रेजोनेंस। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन है Cr(O4-2). अब देखो क्रोमेट Cr(O4-2) ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 6 है ना, और इसमें क्रोमियम जो है वो चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड जो है वो चार है, बॉन्ड पेयर चार है, जितने बॉन्ड पेयर होते हैं उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब आप देख सकते हैं सारी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि सब में रेजोनेंस क्या है पॉसिबल है। सो ऑल CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है KMnO4 वर्सेज K2Cr2O7। आपको पता है दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है। आपसे पूछा है बेटर ऑक्सीडेंट कौन है। अब स्टूडेंट्स देखो एसिडिक मीडियम की बात करें तो MnO4- एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, और इसका जो SRP है यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज 1.51 वोल्ट। सिमिलरली डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr+3 में, इसका जो SRP है वो है 1.33 वोल्ट। अब आप क्या देख रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा यानी उसका खुद का रिडक्शन बहुत ईजी होगा, ये चाहेगा कि मैं फटाफट जो है इसमें रिड्यूस हो जाऊं, तो ये जितना जल्दी इसमें रिड्यूस होगा सामने वाले को उतना जल्दी क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, और जो जितना जल्दी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा उतना ही बेटर क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हु इज बेस्ट बिटवीन KMnO4 एंड K2Cr2O7, तो हम कहेंगे KMnO4 इज द बेटर ऑक्सीडेशन, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr2O7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट वेट, तो हमने रेडॉक्स में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब भी कोई रेडॉक्स इक्वेशन होती है तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है उससे डिवाइड कर दो, या एन फैक्टर से क्या करो, डिवाइड कर दो. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम. तो स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम में KMnO4 पर मैंगनेट जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5. या अगर आप बैलेंस इक्वेशन देखें तो 1 मोल पर मैग्नेट कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 5 मोल, तो एन फैक्टर इज 5. तो हमारा फॉर्मूला था मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमारा आंसर होगा M/5. अब मोलर मास ऑफ KMnO4 है दैट इज 158, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम विल बी 158 डिवाइडेड बाय 5. सिमिलरली हमने क्या देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr+3. तो यहां पे 1 मोल डाइक्रोमेट आयन की बात करें तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका आयन फैक्टर कितना हो गया, 6. सो मोलर मास डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट. अब यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास गिवन है 294, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 294 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 49. तो ये हमारा टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ.